वेलकम टू एकेडमी जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, यानी ऐसी नेटवर्किंग जिसको हम सॉफ्टवेयर के जरिए डिफाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल करते हैं, उसके जरिए मैनेज करते हैं, यानी एक सेंट्रल पॉइंट से सॉफ्टवेयर की मदद से आप पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करते हो, उसे आप कहते हो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काफ़ी डिटेल में और बहुत ही सिंपल वे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, SDN यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SDN भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। SDN को समझने के लिए आपके पास ट्रेडिशनल नेटवर्किंग, जो आपका करंट नेटवर्किंग है, जो कि आप CCNA वगैरह में पढ़ते हो, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होना लाजिम है। आपको पता होना चाहिए कि यार आपकी जो नेटवर्किंग है इंटरनेट किस तरह काम कर रहा है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं दो स्लाइड में कोशिश करूंगा कि उसको थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट आपको दे दूँ, और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल नेटवर्किंग के बाद फिर बारी आती है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की। फिर हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग का नेटवर्क आर्किटेक्चर किस टाइप का है। फिर हम बात करेंगे SDN कंट्रोलर से क्या मुराद है, ओपन फ्लो प्रोटोकॉल क्या होता है, SDN की क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या चैलेंजेस SDN के सामने मौजूद हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। चलें जनाब, हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल नेटवर्क, जो आजकल का नेटवर्क हमारे पास काम कर रहा है, ये किस तरीके से काम कर रहा है। एक कंप्यूटर यहाँ पे मौजूद है और जीमेल का सर्वर जो है अमेरिका में रखा हुआ है। आप चाहते हो कि आज अपने ईमेल अकाउंट से अपनी ईमेल चेक करो, आपके कंप्यूटर के ब्राउजर से रिक्वेस्ट की आपके राउटर के पास। अब ये जो राउटर होते हैं ये बड़ी इंटेलिजेंट डिवाइस होती है, ये डिसाइड करता है कि भाई इसके पास कई किस्म के राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं, IGRP, OSPF, IS, BGP, कितने टाइप के राउटिंग प्रोटोकॉल्स पे चल रहे हैं। उन राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद से ये अपने अंदर एक राउटिंग टेबल प्रिपेयर करता है। उस राउटिंग टेबल को चेक करते हुए ये डिसाइड करता है कि मेरे पास जो पैकेट आ रहा है उसको मैंने इधर भेजना है या इधर भेजना है। लेट्स सपोज इसने डिसाइड कर लिया मैंने इधर भेजना है, ओके इसने इधर ट्रांसफर कर दिया। अब इस राउटर के पास जब पैकेट आया तो ये चेक करेगा, हाँ भाई पैकेट यहाँ से आया है, दो रास्ते, या तो मैं इधर भेजूँ या इधर भेजूँ। इसने भी अपना एक राउटिंग टेबल प्रिपेयर किया होगा, तो ये डिसाइड करता है कि ये रास्ता जो है थोड़ा सा कंजेशन आ रहा है, यहाँ से सिग्नल ऐसा आ रहा है कि यहाँ से ट्रैफिक थोड़ा जाम हो रहा है, एक काम करता हूँ मैं यहाँ से भेज देता हूँ ट्रैफिक यहाँ से यहाँ। इस राउटर ने भी अपने राउटिंग टेबल मदद से इधर भेजा, इसने भी चेक किया राउटिंग टेबल मदद से कहाँ भेजना, पता चला हाँ बेसिक डायरेक्ट इंटरफेस को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, तो यहाँ से आने वाले पैकेट को इसने यहाँ कर दिया। जब यहाँ से पैकेट निकला तो पैकेट जिस रास्ते से आया था जरूरी नहीं उससे रिटर्न जाए। अब इस राउटर के ऊपर है, ये चेक करेगा कौन सा रास्ता अच्छा हो सकता है, अभी डिसाइड कर ले मैंने इसको यहाँ से भेजना है, इसने यहाँ से यहाँ भेज दिया। ये था हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क जिस पर हमारा नेटवर्क काम करता है, बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कोई मसले मसाइल फिलहाल समझो अभी नहीं है कोई मसले मसाइल। सही है, इस सारी कहानी में हुआ क्या, इससे हमें पता क्या चला। पहली चीज हमें ये पता चली कि जब हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट जाता है उसका कोई प्री डिफाइंड रूल नहीं होता, राउटर डिसाइड करता है राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद से, नंबर वन। नंबर टू, राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, वो राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद से अपने अंदर राउटिंग टेबल प्रिपेयर करता है, अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाता है, और फिर जब कोई उसके पास पैकेट आता है उसके इंटरफेस पे तो वो उसको उस राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद से एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे फॉरवर्ड कर देता है। यहाँ पे पैकेट आया था ये इंटरफेस से, यहाँ से लेके इसने डिसाइड किया था यहाँ पे, तो इस इंटरफेस से उठा के इसने यहाँ तक इसको फॉरवर्ड कर दिया। इसी तरह हर राउटर करता है। सही है, ये बात हमें इससे पता चल गई। और हमें तीसरी बात ये भी पता चली कि यार हर राउटर अपनी कैलकुलेशन खुद कर रहा है, हर राउटर दूसरे राउटर को सिग्नल भेज के उसको अपडेट करवा रहा है, यानी हर राउटर के पास इंटेलिजेंस मौजूद है जिसकी बेस पे हर राउटर जो है राउटिंग प्रोटोकॉल चला के अपना अपना काम कर रहा है। ये है हमारे पास ट्रेडिशनल नेटवर्क। ये कॉन्सेप्ट आ गया ना, अब आपको SDN समझ में आ जाएगा। अच्छा हाँ, राउटर पर भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। राउटर को हम देखें तो बेसिकली इसको काम के लिहाज से हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है इसका कंट्रोल प्लेन, एक कहलाता है इसका फॉरवर्डिंग प्लेन। कंट्रोल प्लेन क्या होता है? कंट्रोल प्लेन ये होता है जो राउटर का दिमाग होता है, ब्रेन होता है राउटर का, जिसके अंदर सारे राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं और वो वहां पे पूरा राउटिंग टेबल प्रिपेयर करके कंट्रोल प्लेन अपने पास रखता है। जब कभी कोई ये पूरा राउटर इसके इंटरफेस पे कोई पैकेट आता है तो जो इसका फॉरवर्डिंग प्लेन है वो इंटरफेस से पैकेट लेता है, उसका डेस्टिनेशन IP सोर्स IP चेक करता है, उसका फिर अपने कंट्रोल प्लेन से पूछता है हाँ भाई बताओ मुझे इसको कौन से इंटरफेस पे फॉरवर्ड करना है। पहली बात तो मुझे बताओ इसको फॉरवर्ड करना ही नहीं करना। अगर इस राउटर पे नेटवर्क इंजीनियर ने कोई ऐसी पॉलिसी अप्लाई की हुई है कि भाई इस IP या कोई पैकेट आए इस सोर्स IP का या इस डेस्टिनेशन IP का कोई पैकेट आए तो उसको यहाँ पर रोक दो, तो कंट्रोल प्लेन इसको बोलेगा फॉरवर्ड प्लेन, नहीं नहीं इसको फॉरवर्ड नहीं करना, इसको डिस्कार्ड कर दो यहीं पर।
ये अगर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लगी हुई तो फिर कंट्रोल प्लान बताएगा कि हाँ यार इसको जिस डेस्टिनेशन पे जाना है ये मेरे इस इंटरफेस पर मौजूद है, यहाँ पे इसको भेज दो। चलो भाई इसने यहाँ पे इसको फॉरवर्ड कर दिया, अगले राउटर ने ले लिया। अगले राउटर का जो डेटा प्लान है, फॉरवर्डिंग प्लान है, वो अपने कंट्रोल प्लान से पूछेगा हाँ भाई क्या करना है। तो इस तरह ये सारा सेटअप चलता है, यानी ये कंट्रोल प्लान जो होता है राउटर का दिमाग होता है। अब एक लम्हे के लिए सोचो जरा, हर राउटर जो है अपने अपने दिमाग से सोच के आगे ये काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग क्या कहता है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग ये कहता है भाई हर राउटर से उसका दिमाग ले लो, यानी हर राउटर से उसका कंट्रोल पैनल निकाल दो, इससे भी निकाल दो, इससे भी निकाल दो। अब क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा कि पूरे नेटवर्क से तमाम राउटर से आपने कंट्रोल पैनल निकाल दिया, इससे भी निकाल दिया, इससे भी निकाल दिया, इससे भी निकाल दिया, इससे भी, इससे भी, इससे भी। अब सबके पास सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्डिंग प्लान रह गया, सब फॉरवर्डिंग का काम करेंगे, लेकिन इनको बताएगा कौन कि तुमने कहाँ पे फॉरवर्ड करना है। तो एसडीएन क्या कहता है, मैं एक डिवाइस लगाऊंगा सेंट्रल के अंदर, सेंटर के अंदर, उसको मैं कहूंगा एसडीएन कंट्रोलर। इसने तमाम राउटर से कहा कि तुम लोग अपने अपने दिमाग खत्म कर दो, अपने अपने दिमाग से तुम्हें सोचना नहीं है, सही है, मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा। सारा दिमाग आ गया अब इसके पास, अब तमाम राउटर इससे कनेक्ट हो गए। अब जब कोई पैकेट इस राउटर के पास आएगा ना, तो वो जो है बजाय इस राउटर का जो फॉरवर्डिंग प्लान होगा वो अपने कंट्रोल प्लान से पूछने के बजाय एसडीएन कंट्रोलर से पूछेगा हाँ बताओ उसको कहाँ फॉरवर्ड करना। एसडीएन कंट्रोलर जो है पूरे नेटवर्क के हर राउटर के साथ कनेक्ट है, हर राउटर की अपडेट इसके पास है, वो डायरेक्ट बता देगा हाँ भाई तुम इसको तुम इस वाले पास भेजो, क्योंकि इसको पता होगा इसके बाद मैं इधर भेजूंगा, मैं इधर भेजूंगा, सब पहुंच जाएगा। या इसको पता होगा कि हाँ ये ट्रैफिक जाम हुआ है, मैंने यहाँ से यहाँ भेजना। यानी देखो सोचो, एक शख्स बीच में बिठा दिया तुमने, पूरे नेटवर्क को देख रहा है और सबको गाइड कर रहा है, तुमने ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। इससे हमें फायदा क्या हुआ? इससे हमें फायदा ये हुआ कि हमारा जो पूरा नेटवर्क के अंदर एक एक राउटर अलग अलग सोच रहा था ना, बोला गया सब लोग सोचना बंद कर दो, मैं सेंटर में बैठा हूँ, मैं सोचूंगा खाली। इससे ये हो गया, काम की स्पीड बढ़ गई। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये कॉन्सेप्ट जो है, ये डेफिनेशन पढ़ लेना एसडीएन कंट्रोलर की। जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने एक बात बोली थी, हमने कहा था कि यार पूरी दुनिया के अंदर जो है हर कंपनी अपने अपने सर्वर लगाती है। अब सर्वर रखना मुश्किल काम है, उसकी मेंटेनेंस, उसकी इंस्टॉलेशन, सारे काफी मसले मसाइल उसके। क्लाउड कंप्यूटिंग वाली वीडियो डिटेल में आके देख लेना, अकेडमी की साइट पर मौजूद है, मैं यहाँ पे से शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ। तो हर कंपनी के लिए सर्वर रखना बहुत मुश्किल काम है। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक सेंट्रलाइज प्लेस लेते हैं, वहां पे सारे सर्वर वर्चुअल सर्वर क्रिएट कर लेते हैं, जिसको सर्विस चाहिए वहां से एक्सेस कर ले। लेकिन या खुद सोचो, तुम लोगों ने जो है सर्वर उठा के सारे एक साइड पे कर दिए, क्लाउड पे रख दिए तुम लोगों ने, उससे क्या फायदा हुआ? उससे फायदा ये हुआ कि सर्वर की सर्विसेज जो है जरा फास्ट हो गई, लेकिन बीच में तो कस्टमर से लेके उस क्लाउड तक जो बीच में जाने का रास्ता है वही राउटर और स्विच से होता हुआ जा रहा है, सही है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको अब काम करने की जरूरत है, आपने सर्वर साइड पे क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम कर लिया, लेकिन अब आपको काम करने की जरूरत है अपने नेटवर्क डिवाइसेस पे। अपने नेटवर्क डिवाइसेस से क्या करोगे? आपने उनको भी सेंट्रलाइज कर लिया। एसडीएन का कॉन्सेप्ट ये कहता है, यानी हर डिवाइस से उसका ब्रेन निकाल के आपने सेंटर में एक डिवाइस रख दी, इसे हम कहते हैं एसडीएन कंट्रोलर। यहां से हर राउटर को आपने कंट्रोल किया। अब कोई भी डेटा ट्रैफिक आएगा, हर राउटर जो है एसडीएन कंट्रोलर से रियल टाइम करना, हाथ क्या पूछेगा वो हाथ क्या उसको जवाब देगा हाँ मैं तुमने कहा जाए, सब फॉरवर्ड कर देगा। इससे खुद सोचो फायदे हमें क्या क्या मिल रहे हैं। नंबर वन, हमारी प्रोसेसिंग फास्ट हो रही है। नंबर टू, जब ये राउटर डेटा को फॉरवर्ड कर रहा था, इसने अपना ये इंटरफेस चेक किया था, ये चेक किया था, ये चेक किया था, ट्रेडिशनल नेटवर्क में जब हमने स्टार्ट में यहाँ पे बात कही थी, जब ये फॉरवर्ड कर रहा था यहाँ पे चेक किया था, यहाँ पे चेक किया था, सही है। जब ये चेक फॉरवर्ड कर रहा था तो इसने यहाँ चेक किया था, यहाँ चेक किया था, यहाँ चेक किया था, सही है। लेकिन इस राउटर ने इसको चेक नहीं किया था, या इस राउटर ने इस राउटर के स्टेटस चेक नहीं किया था। ये राउटर से चेक क्या कर रहा है? अपने डायरेक्ट कनेक्टेड इंटरफेस को चेक कर रहा था, यानी हर राउटर अपना अपना चेक करके आगे फॉरवर्ड कर रहा था, सही है। लेकिन एसडीएन कंट्रोलर सेंटर में बैठा हुआ है, ये हर राउटर पे इसने नजर रखी हुई है। अब अगर ये इसको कहीं बोलेगा ना, लेट्स सपोज कोई पैकेट इसके पास आया और इसने फॉरवर्ड करना है, इधर करना है, इधर करना है, तो एसडीएन कंट्रोलर खाली इन दो को देख के फैसला नहीं कर रहा, बल्कि पूरे नेटवर्क को देख के फैसला कर रहा है कि मैं पैकेट को यहां से ट्रेवल करवाता हुआ यहां से यहां लेके जाऊंगा। इसने पहले से डिसाइड कर दिया, यानी सारा काम इसने एडवांस में करके रख लिया। इसके पास हर राउटर की अपडेट मौजूद है, और इनके बीच में ड्यूरिंग ट्रांसमिशन भी अगर कोई ब्रेक वगैरह कुछ आ जाता है तो हाथ कह बोल देगा हाँ भाई
फौरन उसको सिग्नल दे देगा, हाँ भाई जो ट्रैफिक यहाँ जाना था तुम्हें काम करो, उसको यहाँ से ले जाओ। यानी एक सेंटर में बंदा बैठा हुआ सबको ओवरव्यू कर रहा है। यानी आपके नेटवर्क की मॉनिटरिंग आपकी आसान हो गई, नेटवर्क की प्रोसेसिंग आपकी आसान हो गई। तीसरा फायदा ये कि जो राउटर लगे हुए होते हैं ना, ये लाखों रुपए में आते हैं। इन पे जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जितना हैवी प्रोटोकॉल होगा, जितनी आपने क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को मेंटेन करना है, आपने एक्सेस लिस्ट लगानी है, या जितनी कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शन देनी है, मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन देनी, सब कुछ देनी है, तो जितना ज्यादा आप लोग इंस्ट्रक्शन दोगे, जितना पावरफुल आपको राउटर चाहिए, उतना लाखों में डील जाती है इसकी। तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, अब आप लोग जो है सारा खर्चा खाली SDN कंट्रोलर पे करोगे, ये नहीं कि हर इंडिविजुअल डिवाइस पे करोगे। और आपके डिवाइस के अंदर सिर्फ एक फॉरवर्डिंग प्लान रह जाएगा, यानी सिर्फ जैसे स्विच का काम रह जाएगा, स्विच के अंदर भी एक एक्स्ट्रा, बस समझ लो इस तरह से आपके स्विच रह जाएंगे आपके। अभी सही है, मैं ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहा, मैं आपको सादे अल्फाज में बता रहा हूँ। यानी आपको महंगे महंगे राउटर खरीदने की, महंगे महंगे इक्विपमेंट खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। अब तीसरा फायदा, कोई भी नेटवर्क इंजीनियर जब इस नेटवर्क के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करता था ना, यहाँ पे आई कनेक्ट करता था, यहाँ पे अपना लैपटॉप कनेक्ट करता है, हाँ कॉन्फ़िगर कर लिया, अब इसको कॉन्फ़िगर किया, फिर इसको कॉन्फ़िगर किया, इसको कॉन्फ़िगर किया, इसको कॉन्फ़िगर किया, इसको कॉन्फ़िगर किया, सही है। कोई भी नई सर्विस यहाँ पे डिप्लॉय करवानी है, कोई भी नई इंस्ट्रक्शन देनी है, कोई भी नई, पता चला कोई किसी खास पैकेट को रोकना है तो हर एक को जाके बताना पड़ेगा कि भाई इसको रोकना है, फिर उसके बाद जाके इसको रोकना है, इसको जाएगा इसको रोकना है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रलाइज काम होगा सारा, नेटवर्क इंजीनियर यहीं पे बैठेगा, इसको बताएगा ये SDN कंट्रोल, सब कंस्ट्रक्शन दे देगा, हाँ भाई सब लोग कंट्रोल में आ जाओ। यानी सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग, सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग हो गई, सही है। सिक्योर करना आसान होगा, सिक्योरिटी आसान होगी, जब एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग होती है तो नेटवर्क को सिक्योर करना भी आसान काम हो जाता है। ये सारे फवायद आपको SDN दे रहा है। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि सेंट्रल ब्रेन जो है ना पूरे नेटवर्क का एक सेंटर में लगा देगा, जिसको हम कहेंगे SDN कंट्रोलर। अब ये SDN नेटवर्क आर्किटेक्चर से क्या मुराद है? आर्किटेक्चर कहते हैं कि भाई जो बिल्डिंग खड़ी होगी ना, तो उसके पूरी कंस्ट्रक्शन कैसी होगी, सॉरी उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, सही है। तो SDN नेटवर्क आर्किटेक्चर मुराद क्या है कि SDN नेटवर्क जो हम बनाएंगे इसका बेसिक आर्किटेक्चर होगा किस तरीके से। SDN नेटवर्क का आर्किटेक्चर तीन हिस्सों में डिवाइड होता है, एक कहलाता है एप्लीकेशन लेयर, एक कहलाता है कंट्रोल लेयर, एक कहलाता है फॉरवर्डिंग लेयर। ये जितने भी राउटर लगे हुए ना, ये सारे कहलाएंगे फॉरवर्डिंग लेयर, सही है। ये जो SDN कंट्रोलर लगा हुआ है ये कहलाएगा कंट्रोल लेयर। और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर चल रहे हैं, SDN कंट्रोलर के साथ जो सर्वर लगा हुआ होगा, जो सॉफ्टवेयर को रन कर रहा होगा, वो कहलाएगा आपके पास एप्लीकेशन लेयर। अब वो क्यों लगा हुआ, वो कर क्या रहा है? देखें, मैंने आपसे क्या कही बात कि भाई जो आपका SDN कंट्रोलर है वो सारे के सारे राउटर से कनेक्टेड होगा, और SDN कंट्रोलर के ऊपर जो है ना पूरा एक सर्वर लगा हुआ होगा, जो वो सारी की सारी एप्लीकेशंस को रन कर रहा होगा। कौन सी एप्लीकेशन होंगी इसके अंदर? मैंने आपसे क्या कहा कि SDN कंट्रोलर सब राउटर को बताएगा कि यार तुमने कौन से रूट को और ट्रैफिक को कौन से किस रास्ते से भेजना है। तो भाई SDN कंट्रोलर को कौन डिसाइड करके देगा कि यार कौन सा रूट अच्छा है, कौन सा रूट बुरा है? तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे जो कि ये डिसाइड कर रहे होंगे कि इस नेटवर्क को जो जिसको हम लोग मैनेज कर रहे हैं, इसमें बेस्ट रूट कौन सा है, वो फिर कंट्रोलर को बताएंगे, वो कंट्रोलर सबसे कम्युनिकेट करेगा। अगर कोई ट्रैफिक के अंदर बैलेंसिंग करनी हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट करनी हो, हाँ भाई इतना लोड यहाँ पे ज्यादा हो गया, एक काम हो कुछ लोड इधर से ट्रांसमिट कर दो, कुछ लोड इधर ट्रांसमिट कर दो, उस लोड के भी यहाँ पे लोड बैलेंसिंग के सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे जो कि कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे, कंट्रोलर उसको कंट्रोल करवा रहा होगा। अगर कोई सर्विसेज और सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है, हाँ भाई तमाम राउटर को इंस्ट्रक्शन, ये यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, सिक्योरिटी का सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, वो SDN कंट्रोलर को बोलेगा हाँ भाई इस IP के जितने पैकेट्स आएंगे उनको तुमने ब्लॉक करना है, ये इंस्ट्रक्शन SDN कंट्रोलर सबको दे देगा, हाँ भाई इसको ब्लॉक कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप खुद देख सकते हो, ये ऐसा नेटवर्क बन गया है जिसको ये जो सॉफ्टवेयर जो चल रहे हैं ये डिफाइन कर रहे हैं, इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ये तमाम एप्लीकेशन चल रही है, ये तमाम के तमाम SDN कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन दे रही है, SDN कंट्रोलर जो है तमाम के तमाम राउटर्स को कंट्रोल कर रहा है। ये पूरा नेटवर्क आर्किटेक्चर है आपके पास, SDN नेटवर्क आर्किटेक्चर कहलाता है ये पूरा। अब जो SDN कंट्रोलर है, ये क्या करता है, ये SDN कंट्रोलर बिहेव्स लाइक माइंड या ब्रेन ऑफ SDN आर्किटेक्चर। यानी ये पूरे SDN आर्किटेक्चर का SDN कंट्रोलर जो है ब्रेन होता है, क्योंकि यही सबसे
इंस्ट्रक्शन दिलवाता, सबसे सारे के सारे काम ये करवा रहा होता। अच्छा हाँ, ओपन फ्लो प्रोटोकॉल क्या है? देखें, एसडीएन कंट्रोलर जो तमाम राउटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, अब ये राउटर हो सकता है, एक राउटर लेट्स सपोज ये पूरा नेटवर्क था, ये राउटर हुआवे का है, ये राउटर जो हो गया लेट्स सपोज सिस्को का है, ये राउटर हो गया लेट्स सपोज जूनिपर का है, अलग अलग कंपनीज के राउटर होते हैं पूरे नेटवर्क के अंदर। अब तमाम राउटर से कम्युनिकेशन करनी है तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसे हम कहते हैं ओपन फ्लो प्रोटोकॉल। उस प्रोटोकॉल का काम क्या है? वो एसडीएन कंट्रोलर को इस काबिल बनाता है कि वो हर राउटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके। अब सवाल पैदा ये होता है कि आजकल जो राउटर चल रहे हैं ये सारे के सारे एसडीएन नेटवर्क या ओपन फ्लो कंट्रोल ओपन फ्लो प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, ज्यादातर जो न्यू राउटर्स जो हैं ये ओपन फ्लो प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं। अब जो ऐसा जो नेटवर्क जो है, जो आजकल के जमाने में नेटवर्क चल रहा है इस टाइप का, ये ऐसा ऐसा अब किस पे एसडीएन नेटवर्क एसडीएन पे ऐसा ऐसा शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट होने के अंदर जरूरी नहीं है कि आपके पास जो करंट राउटर रखे हुए हैं आप सारे राउटर चेंज करें, नहीं, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। ज्यादातर राउटर जो हैं, चाहे जूनिपर के हों, चाहे हुआवे के हों, चाहे आपके पास सिस्को के हों, ये सारे के सारे जो हैं एसडीएन कंट्रोलर को सपोर्ट कर रहे हैं, ओपन फ्लो प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर रहे हैं। जब ये एसडीएन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपने कंट्रोल प्लेन को एक्सेस करना छोड़ देते हैं, ये डायरेक्ट किसको, इनका फॉरवर्डिंग प्लेन जो है फिर डायरेक्ट जो है ओपन फ्लो प्रोटोकॉल के जरिए एसडीएन कंट्रोलर को जाके एक्सेस करता है यहाँ पे, और इस तरह ये पूरा नेटवर्क शिफ्ट हो जाता है आपका नॉर्मल ट्रेडिशनल से एसडीएन कंट्रोल। भी ऐसा ऐसा शिफ्टिंग चल रही है, अभी एसडीएन कंट्रोलर 100% इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अच्छा, एसडीएन कंट्रोल जो ओपन फ्लो प्रोटोकॉल जो होता है, जो कि आपके पास, हाँ सॉरी, ये जो कंट्रोल प्लेन जो होता है ये हार्डवेयर से भी, यानी कि आपके सारे राउटर से भी कम्युनिकेट कर रहा होता है और सारी इंस्ट्रक्शन से भी कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो एसडीएन कंट्रोल की वो पोर्ट्स जो कि आपके पास तमाम राउटर से कनेक्ट कम्युनिकेट कर रही होती हैं, उन्हें हम कहते हैं साउथ बाउंड इंटरफेस, और जो कि एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर रही होती हैं उनको हम कहते हैं नॉर्थ बाउंड इंटरफेसेस। ये इंटरफेस की नेम है, इसके अभी फिलहाल ये एक वीडियो में बनाऊंगा कुछ दिनों बाद, उसमें हम लोग काफ़ी डिटेल में मजीद ओपन फ्लो प्रोटोकॉल पर बात करेंगे, उसकी उसकी वीडियो अलग से बनेगी, लेकिन सिर्फ एक आर्किटेक्चर में आपको समझा रहा हूँ अभी। देखें, इस एसडीएन के आने से हम फायदे क्या हुए, मैनेजमेंट आसान हो गई, प्रोग्रामेबल नेटवर्क हो गया हमारा, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हो गई है, एजाइल नेटवर्क हो गया। एजाइल नेटवर्क क्या होता है, जो फौरी तौर पर आप उसको फौरी रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सर्विसेज बढ़ानी है, सही है, आपको जो है नेटवर्क को एक्सपेंड करना है या न्यू टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है, तो बजाय इसके कि आपको दो दो तीन तीन दिन लगे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, नेटवर्क इंजीनियर सबके पास जाए या एक नया राउटर इंस्टॉल किया, जो भी करे सारे ये एसडीएन कंट्रोलर सबको एकदम इंस्ट्रक्शन देगा, वो चीज़ फ़ौरन इसमें इंप्लीमेंट हो जाएगी, यानी कोई भी न्यू डिप्लॉयमेंट ईजी हो जाएगी इसके ऊपर। तो एजाइल नेटवर्क से कहते हैं जो फौरी आपको कस्टमर की डिमांड पर फौरी आपको तेजी के साथ इंप्लीमेंट करवा सके। विजिबिलिटी है, यानी एक पॉइंट से पूरा नेटवर्क विजिबल है आपके लिए। कॉस्ट इफिशेंसी है, मैंने आपको यह बताया महंगे महंगे राउटर की अब जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी जो राउटर आपके पास चल रहे हैं वो तो सपोर्ट करेंगे इसको, लेकिन अब न्यू आने वाले वक्तों के अंदर फिर आपको राउटर परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको ओपन फ्लो फॉरवर्डिंग प्लान यानी वो स्विचेज आपको सब परचेज करने पड़ेंगे, जो कि आजकल के राउटर के अंदर तो बहुत ज़्यादा चीप होंगे, सिक्योर हो जाएगा नेटवर्क आपके पास, सही है। अच्छा, कुछ इसके बाद चैलेंजेस भी आ रहे हैं। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं यार, देखो आपका नेटवर्क सिक्योर हो गया लेकिन आपका एसडीएन कंट्रोलर जो एक सेंट्रल पॉइंट है ना, इसकी सिक्योरिटी पर सवाल उठ जाएंगे, क्योंकि ये किसी एक खास जगह पर रखा हुआ होगा, वहां पर किसी ने एक्सेस कर लिया इसको पूरे नेटवर्क को डाउन कर सकता है, ये कि इशू आएगा। तो इसका हो सकता है कि इम्प्लीमेंटेशन जो जहां तक मैंने पढ़ी है अभी तक, कि वो इसको पूरे नेटवर्क के लिए इसको डिसाइड कर लेंगे, हाँ भाई तीन राउटर को एक एसडीएन कंट्रोलर सपोर्ट करे, बाकी तीन राउटर को दूसरा एसडीएन कंट्रोलर सपोर्ट करे, और एसडीएन कंट्रोलर आपस में काम कर रहे हैं। अगर इन केस किसी वजह से एक डाउन हो जाता है, दूसरा वाला सबको सपोर्ट करेगा और जो यानी बैकअप में काम करेगा, ये अप्रोच भी इसके अंदर मौजूद है, इसके चैलेंजेस के सामने ये मौजूद है, नंबर वन। और दूसरा भी ये भी चैलेंज आ रहा है कि भाई क्या नाम है, अब तक जो ये था कि इंटरनेट पूरी दुनिया के अंदर कोई भी बंदा ऑन नहीं करता था, लेकिन जब एसडीएन कंट्रोलर इंप्लीमेंट हो जाएगा तो जहां पे एसडीएन कंट्रोलर रखा हुआ है समझ लो एक तरह से उसकी बादशाहत आ गई है, उसकी ज्यादातारी आ गई है,
तो इन चीजों पे भी काम चल रहा है, इन चीजों को भी देखा जा रहा है और आने वाले वक्तों में इसका सलूशन भी इसके तलाश किए जाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी। SDN कंट्रोलर का और ये आप सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो academy-khachai.com का जो यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया और अकेडमी के साइट पर जाके इसको नेम ईमेल एड्रेस लिख के यहाँ पर सबमिट करवा दिया ताकि फ्यूचर में जो भी पोस्ट अपलोड करूँ बाय नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।